What's up everyone, Kirtan Shetty here from The Supple Strength. Hand Gripper के पहले वीडियो में आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, really thankful for that. But काफी लोगों का डाउट था कि कितना सेट्स एंड रेप्स करना है या कितने दिन के लिए ये रूटीन फॉलो करना है हमें. तो इन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपको एक फॉलो अलॉन्ग वर्कआउट रूटीन बताने वाला हूँ यूजिंग दिस हैंड ग्रिपर, जहाँ पे आपको सेट्स एंड रेप्स का कंफ्यूजन नहीं होगा बिकॉज इट इज टाइमर बेस्ड. तो यहाँ पे हम पांच एक्सरसाइज को कंटिन्यूअसली फॉलो करने वाले 30 सेकंड्स के लिए और उनके बीच में हम 10 सेकंड्स का गैप लेने वाले. तो यहाँ पे 30 सेकंड्स में कितना रेपिटेशन हो सकता है आपसे उतना आपको करना है. इनिशियली फर्स्ट राउंड में आपको एकदम कम रेजिस्टेंस रखना है, सेकेंड राउंड जब होगा उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना है और थर्ड राउंड काफी इंटेंस हो जाएगा जहां पे आपको रेजिस्टेंस को और भी थोड़ा बढ़ाना है और 30 सेकंड्स के लिए जितना रेपिटेशन हो सकता है उतना करना है. और इन सारे राउंड्स के बीच में आप 1 से 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हो. एंड अगर आपको काफी आपका स्ट्रेंथ एंड साइज बढ़ाना है फोरआर्म्स का, तो आई वुड रिकमेंड कि आप 3 दिन इस वर्कआउट रूटीन को फॉलो कीजिए, बट कंसेक्यूटिव डेज के लिए मत कीजिए. बीच में थोड़ा सा 1 या 2 दिन का रेस्ट भी लीजिए सो दैट आपका फोरआर्म मसल सही तरीके से रिकवर हो जाए. और अगर आप कोई रेगुलर वर्कआउट फॉलो करते हो तो आई वुड सजेस्ट दैट वो वर्कआउट होने के बाद लास्ट में इस रूटीन को फॉलो कीजिए, क्योंकि काफी सारे एक्सरसाइज में हमें फोरआर्म मसल्स लगते हैं तो आपको पहले से ही फोरआर्म मसल्स को फटीग आउट नहीं कर लेना है. तो इस रूटीन को शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रीफली सारे एक्सरसाइज के आइडिया दे देता हूँ, फिर उसके बाद आप मेरे साथ इस पूरे रूटीन को फॉलो कर सकते हो. द फर्स्ट एक्सरसाइज इज द रेगुलर ग्रिप, जहाँ पे आप आपके रिस्ट को न्यूट्रल रखोगे और ग्रिपर को पकड़ते हुए 30 सेकंड्स के लिए प्रेस करते जाओगे. इससे आपका ओवरऑल फोरआर्म टारगेट होगा. द सेकंड एक्सरसाइज इज द फ्लेक्स ग्रिप, जहाँ पे आप आपके रिस्ट को ऐसे फ्लेक्स करोगे एंड देन यू विल प्रेस द ग्रिपर. तो यहाँ से आपका जो फ्लेक्सर मसल से वो ज्यादा टारगेट होगा. द थर्ड एक्सरसाइज इज द इन्वर्टेड ग्रिप, यहाँ पे आपका जो फिंगर का ग्रिप स्ट्रेंथ है वो काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ है वो काफी बढ़ जाता है हैंड ग्रिपर का. एंड देन यू हैव टू कीप ऑन प्रेसिंग इट फॉर 30 सेकंड्स कंटिन्यूसली. द फोर्थ एक्सरसाइज इज एन आइसोमेट्रिक होल्ड एक्सरसाइज, जहाँ पे आप ग्रिपर को होल्ड करके रखना है और फिर रेडियल एंड अलर्नर डिविएशन करना है, मतलब कि रिस्ट को ऊपर नीचे लेके जाना है, जिससे आपका कंप्लीट फोरआर्म मसल्स टारगेट होगा और ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स भी टारगेट होगा. एंड द फिफ्थ एक्सरसाइज इज ऑल्सो एन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जहाँ पे आपको होल्ड तो करना है ग्रिपर को और साथ में आपको रोटेट करना है आगे पीछे, कीपिंग योर एल्बोस फिक्स्ड. इससे आपका कंप्लीट फोरआर्म मसल्स टारगेट होगा और साथ ही में थोड़ा बहुत बाइसेप मसल्स भी टारगेट होंगे, बट मेक श्योर यू आर कीपिंग योर एल्बोस फिक्स्ड एंड जस्ट रोटेटिंग योर फोरआर्म बोन. सो अभी आपको सारे एक्सरसाइज पता चल गए, तो लेट्स बिगिन दिस वर्कआउट. यू कैन फॉलो दिस अलॉन्ग विद मी एंड लेट्स फील दैट बर्न ऑन अवर फोरआर्म्स. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow.
कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन फिनिशिंग दिस इंटेंस फोरआर्म बर्नर रूटीन। आपको ये वर्कआउट रूटीन कैसे लगा जरूर कमेंट में मुझे बताना, और अगर आपको कुछ क्वेरीज होगा तो भी जरूर कमेंट में लिख देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर विद एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट ऑन वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सफल, स्टे स्ट्रांग। गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल।